दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गोदरेज के न्यू रेफ्रिजरेटर की, जो कि 2023 का ही मॉडल होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं इसके मॉडल नंबर की। तो दोस्तों, इसका मॉडल आ जाएगा RDH215B TAF BR BL, और ये 186 लीटर की कैपेसिटी के साथ में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों, फाइनली इसकी हमने अनबॉक्सिंग कर ली है। तो इस तरह का ये रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, जो कि ब्लू कलर के अंदर रहेगा। दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह का कलर आ जाएगा इसके अंदर। दोस्तों, सेम कलर, सेम यानी कि जो मैंने कैपेसिटी आपको बताई थी 215 बी, इसके अंदर आपको दो कैपेसिटी मिल जाएंगी। जैसे ये तो 186 लीटर के अंदर था, सेम एक आपको 180 लीटर के अंदर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसकी लुकिंग देखते हैं हम। हैंडल काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर। हम देखेंगे तो लॉक का सिस्टम आपको ऊपर ही मिल जाएगा, यानी डोर लॉक भी मिल जाएगा इसके अंदर। पॉकेट हैंडल रहेगा, और एक आपको सामने हैंडल मिल जाएगा जो सामने रहेगा। लेदर फिनिश के अंदर रहेगा, जो कि हीटिंग भी बहुत कम करता है। दोस्तों, साथ ही हम देखते हैं इसके मॉडल की। तो गोदरेज का एज सीरीज के अंदर ये वाला मॉडल रहेगा दोस्तों, और ये 2 स्टार रेटिंग के अंदर रहेगा, जो कि पावर भी बहुत कम कंज्यूम करता है। दोस्तों सेम कैपेसिटी के अंदर हमें दो मॉडल मिल जाएंगे, यानी कि 186 और 180 लीटर के अंदर। इसमें हम जो बात कर रहे हैं 2 स्टार रेटिंग के अंदर, हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर हमें सिंगल स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार, इसमें हमें 3 मॉडल मिल जाएंगे सेम कलर के अंदर। और इसमें कलर ऑप्शन हमारे पास काफ़ी सारे मिल जाएंगे दोस्तों आपको। जैसे वाइन कलर मिल जाएगा दोस्तों आपको, ब्लू कलर मिल जाएगा, स्टील वाइन मिल जाएगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे आपको कलर ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, कैपेसिटी रहेगी 186 और 180, इसमें दो कैपेसिटी मिल जाएंगी। और आज जो हम आज बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं 186 लीटर की। दोस्तों, साथ में 2023 का मॉडल है, यानी कि इसके ऊपर QR कोड पेस्टेड है कंपनी की साइड से, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो की तरफ से रहता है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। आप अपने फोन से आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको इस रेफ्रिजरेटर के बारे में सारी की सारी जानकारी दोस्तों मिल जाएगी। साथ ही हम बात करते हैं इसके कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर पर कंपनी 10 साल की वारंटी दे रही है दोस्तों, और 100% ये ग्रीन गैस के साथ में रहेगा, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट रहेगी। दोस्तों, साथ ही हम देखते हैं, तो ये जो रेफ्रिजरेटर रहेगा दोस्तों, आपके होम इन्वर्टर पर कनेक्ट हो जाएगा, और ये विदाउट स्टेबलाइजर पर वर्क करेगा। दोस्तों, ये गोदरेज का रहेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके इंटरनल लुक की। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर से इस तरह का इसमें लुक आ जाएगा। कंपनी ने डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर का। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर की, क्योंकि जो सिंगल डोर के अंदर, यानी कि डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग होती है, वो होती है फ्रीजर कंपार्टमेंट के थ्रू। और इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट का स्पेस काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। आप अगर अदर किसी भी ब्रांड से अगर इस रेफ्रिजरेटर को आप कंपेयर करेंगे, तो सभी में जो थर्मोस्टेट लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यानी कि इतना आपका जो स्पेस होता है वो ऑलरेडी घिर चुका होता है। लेकिन इसके अंदर आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर मिलेगा, और इसके अंदर स्पेस काफ़ी अच्छे इसलिए मिलेगा क्योंकि इनका जो थर्मोस्टेट रहेगा वो आपको ऊपर की साइड दे दिया दोस्तों, और ये ऊपर की साइड दे दिया है। और आप यहाँ से इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका भी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। जैसे विंटर है, मॉनसून है, स्प्रिंग, समर, या आप मैक्सिमम रखना है तो मैक्सिमम भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट में, तो फ्रीजर कंपार्टमेंट में आपको एक आइस ट्रे मिल जाएगी दोस्तों, जो कि काफ़ी बढ़िया दी हुई है दोस्तों, काफ़ी गहरी दी हुई है, यानी कि आइस मेकिंग काफ़ी बढ़िया हो जाएगी इसके अंदर। साथ ही हम देखते हैं तो इसके अंदर चिलर ट्रे मिल जाएगी दोस्तों हमें, जो कि काफ़ी अच्छी दी हुई है दोस्तों इसके अंदर हमें। साथ में दोस्तों अगर हम देखते हैं तो एक हमें मिल जाता है इसका एप्रेन। तो एप्रेन देख के परेशान नहीं होना है दोस्तों, ये नीचे लगाने के लिए होता है, क्योंकि इसके जो पाए होते हैं, व्हील होते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, यानी कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको चौकी लगाने की जरूरत नहीं रहती है दोस्तों। तो एप्रेन दे दिया कंपनी ने ताकि लुकिंग बेटर रहे इस रेफ्रिजरेटर की। तो इस एप्रेन को आपको निकाल के खुद ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इस थर्मोकॉल से बाहर निकालेंगे इस रेफ्रिजरेटर को, तो यह स्पेस बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आपको ये एप्रेन सामने की तरफ लगाना होता है, तो लुकिंग बहुत ही बढ़िया आ जाती है इस रेफ्रिजरेटर की। साथ में देखते हैं तो हमें टफन ग्लास सेल्फ मिल जाएंगे इसके अंदर दो, जो कि एडजस्टेबल रहेगी। आप इस सेल्फ को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमें नीचे की तरफ करना है तो नीचे भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये देखने के लिए मिलेगी, जो इसका वेजिटेबल बॉक्स रहेगा, काफ़ी लार्ज साइज़ के अंदर वेजिटेबल बॉक्स रहेगा। और आप इसके, जैसे कि आप फ्रूट रख रहे हैं, वेजिटेबल रख रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके मॉइस्चर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका हनीकॉम क्रिस्पर रहेगा दोस्तों, जो वेजिटेबल बॉक्स रहेगा उसका जो कवर रहेगा हनीकॉम क्रिस्पर के साथ में रहेगा, यानी कि जो आप इसके अंदर वेजिटेबल या फ्रूट्स रखेंगे तो उसकी लाइफ और फ्रेशनेस काफ़ी बढ़ जाएगी दोस्तों इसके रेफ्रिजरेटर के अंदर। आप देखते हैं तो इस वाइडेस्ट सेल्फ के अंदर मिल जाएगा दोस्तों ये। और इसके अगर हम देखते हैं तो इसकी जो वेजिटेबल ट्रे रहेगी दोस्तों, वो 20 लीटर की कैपेसिटी के साथ में रहेगी, यानी कि ये जो कैपेसिटी रहेगी काफ़ी इनफ है। आप आराम से इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स वगैरह इसके अंदर इजीली स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें मिल जाएगी हाइजीन प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हम इसके अंदर फल फ्रूट रखते हैं उसके बैक्टीरिया वायरस वगैरह को भी ये रेफ्रिजरेटर
डिसइनफेक्ट करता है दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इसके अंदर स्पेस हमें बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें डोर स्पेस की, तो डोर में भी स्पेस बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। आप एक एक लीटर की बोतल यहाँ स्टोर कर सकते हैं, ढाई ढाई लीटर की आपके दो से तीन बोतल दोस्तों यहाँ पे भी इजीली स्टोर हो जाएंगी। और जो हमारे छोटे छोटे आइटम होते हैं आप वहाँ इजीली स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो जैसे कि हमारा ये एप्रेन जो रखा हुआ है दोस्तों, तो एप्रेन लगाने के बाद हमारा रेफ्रिजरेटर का लुक कुछ इस तरह का आ जाता है दोस्तों। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि इन्होंने दिखाया हुआ है इस इमेज के अंदर, सेम एज इस तरह का आपका रेफ्रिजरेटर भी होने वाला है, सेम एज इस तरह का आपका रेफ्रिजरेटर भी होने वाला है दोस्तों। यानी कि जो आपके रहेंगे एप्रेन लगाने के बाद में इस तरह का रेफ्रिजरेटर आ जाएगा दोस्तों। लुकिंग बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। इसमें कुछ सेफ्टी तो हैं, अगर आप ये सेफ्टी से आप इस रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम बहुत कमी के साथ में आती है दोस्तों। जैसे कि जो हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो किन किन चीज़ों से हमें दूर रखना चाहिए, तो सारी चीज़ें कंपनी इसके अंदर मेंशन करके चलती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, कभी भी बर्फ़ जम जाती है इसके अंदर, यानी कि जो हमारा फ्रीजर से कंपार्टमेंट है, तो आप उसे चाकू वगैरह से ना छुटाएं, डायरेक्टली आप इस बटन को पुश करेंगे तो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर। साथ में हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें मिल जाती है एंटी बैक्टीरियल गैसकेट जो कि रिमूवेबल होती है दोस्तों। आप रिमूव करके इसको वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट एंटी बैक्टीरियल गैसकेट का दोस्तों ये बेनिफिट भी होता है कि जब हम रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं और बंद करते हैं तो हमारा ये रेफ्रिजरेटर ये ही यूज़फुल होता है, क्योंकि यहाँ से बैक्टीरिया वायरस वगैरह जाने का अंदर ही खतरा रहता है। तो ये एंटी बैक्टीरियल गैसकेट की बनी होती है, इससे आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह की ग्रोथ नहीं बढ़ती है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा रोल रहता है दोस्तों इस चीज़ का। साथ में दोस्तों आप देखते हैं तो इसके अंदर एक हमें यूज़र मैनुअल भी मिल जाएगा, आप इसके थ्रू इसे यूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही अब हम बात करते हैं इसके कंप्रेसर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, तो जो इसका इन्वर्टर रहेगा, इसका जो कंप्रेसर रहेगा दोस्तों, इस रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर रहेगा दोस्तों वो इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर रहेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही कम कंज्यूम करेगा। और ये वेरिएबल स्पीड पर काम करता है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, यानी कि पूरे आपके 365 डेज के अंदर दोस्तों ये वाला रेफ्रिजरेटर 190 यूनिट ही कंज्यूम करेगा दोस्तों, ये सिर्फ रेफ्रिजरेटर। साथ ही हम देखते हैं तो इसका कलर, तो इसमें हमें ब्लू कलर मिल जाएगा दोस्तों। और हमारे पास में इसमें आपको तीन चार कलर और मिल जाएंगे दोस्तों, जैसे गार्डन वाइन मिल जाएगा, गार्डन ब्लू मिल जाएगा, वाइन कलर मिल जाएगा इसके अंदर। तो इसमें आपको चार से पांच पैटर्न कलर और भी मिल जाएंगे। और कैपेसिटी 180 और 186 के अंदर ये वाला रेफ्रिजरेटर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला रेफ्रिजरेटर सिंगल स्टार, टू स्टार और थ्री स्टार तीनों कैटेगरी के अंदर आपको ये वाला रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा दोस्तों देखने के लिए। तो हम बैक साइड से देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर बैक साइड से किस तरह का लुक दे रखा है कंपनी ने। तो बैक साइड से दोस्तों इस तरह का रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, नीचे की तरफ हमारा जो रहेगा, जैसे दोस्तों बैक साइड में हमारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप इसे निकाल के रिमूव करके आराम से वॉश हो जाएगा दोस्तों। निकाल के वॉश करके नीचे हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, ये कूलिंग कॉइल्स होती हैं, कंडेंसर, इस तरह का इसमें बैक साइड में भी लुक आ जाएगा।